इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री ने ड्रोन्स के यूजेस को इजी करने के लिए न्यू ड्रोन रूल्स 2021 पास किए हैं। इस रूल को इंडियन गवर्नमेंट ने 15 जुलाई को अनाउंस किया था और 15 अगस्त तक स्टॉक होल्डर और इंडस्ट्रीज से सजेशन मांगे थे। इंडिया की पहले की ड्रोन पॉलिसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, जिसे अब थोड़ा इजी कर दिया गया है। पहले इंडिया में ड्रोन्स को लीगली उड़ाने के लिए मल्टीपल फॉर्म्स भरने पड़ते थे और मल्टीपल डिपार्टमेंट से परमिशन और अप्रूवल लेने पड़ते थे, जिस कारण ड्रोन इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप्ड नहीं हो पा रही थी। आज हम ड्रोन्स का यूज़ कई जगहों जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, डिफेंस, सर्वेलियंस, एमरजेंसी रिस्पॉन्स और लॉ इन्फोर्समेंट जैसी और भी कई जगहों पर कर सकते हैं। ये न्यू रूल्स ड्रोन्स के यूजेस को इजी बनाएंगे और इंडिया में ड्रोन इंडस्ट्री को डेवलप्ड होने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन रूल्स को जानते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने हाल ही में सेट किए हैं। इससे पहले वेट के हिसाब से ड्रोन्स के टाइप को जानते हैं। नैनो ड्रोन जो 250 ग्राम से कम हो, माइक्रो ड्रोन 250 ग्राम से 2 केजी तक, स्मॉल ड्रोन 2 केजी से 25 केजी तक, मीडियम ड्रोन 25 केजी से 250 केजी तक और लार्ज ड्रोन जिनका वेट 250 केजी से ऊपर हो। न्यू रूल्स में ड्रोन्स के पेलोड कैपेसिटी को 300 केजी से बढ़ाकर 500 केजी कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा फ्यूचर में ड्रोन डिलीवरी और ड्रोन टैक्सी में होगा। जैसे अभी वर्ल्ड में यूएसए और चाइना जैसी कंट्री इनका यूज़ कर रही है, अब इंडिया में भी इनका यूज़ तेज़ी से बढ़ेगा। पहले यदि आपको ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करवाना है या लाइसेंस लेना होता था तो आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले करवाना पड़ता था। अब ये भी यहाँ पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, जिससे अब आप बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के ड्रोन को रजिस्टर और लाइसेंस करवा सकते हैं। पहले जहाँ ड्रोन्स के लिए 25 नंबर ऑफ फॉर्म्स को फिल करना होता था, उसे भी अब रिड्यूस करके 5 कर दिया गया है। और तो और, पहले जहाँ 72 अलग अलग जगहों पर फीस पे करनी पड़ती थी, उसे भी रिड्यूस कर 4 कर दिया गया है। इस तरह से अब चीज़ों को यहाँ काफ़ी सिंपल और ईजी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ड्रोन्स को उड़ाने के लिए पहले अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग परमिशन और अप्रूवल लेने पड़ते थे, जैसे कि यूनिक ऑथराइज्ड नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस, इंपोर्ट क्लियरेंस, ऑपरेटर परमिट, ऑथराइजेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और भी काफ़ी तरह की परमिशन, जिन्हें अब एंड कर दिया गया है। इवन अब लॉ वायलेशन पर मैक्सिमम पेनल्टी को भी 1,00,000 कर दिया गया है और ड्रोन लाइसेंस की फीस को भी 3,000 से रिड्यूस कर 100 रुपये कर दिया गया है, जो कि 10 ईयर तक वैलिड होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट यहां डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर रही है, जो एयर स्पेस मैप को ग्रीन, येलो और रेड जोन में शो करेगा। रेड जोन में ड्रोन को उड़ाने की परमिशन नहीं होगी। येलो जोन जो एयरपोर्ट के पास होता है, येलो जोन के 2 हिस्से होंगे, जिसमें 5 से 8 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन्स को फ्लाई करने के लिए ATC से परमिशन रिक्वायर्ड होगी और 8 से 12 किलोमीटर में एयरपोर्ट के पेरीमीटर में ड्रोन्स को 200 फीट की हाइट तक विदाउट परमिशन के उड़ाया जा सकेगा। ग्रीन जोन में 400 फीट की हाइट तक नॉन कमर्शियल नैनो और माइक्रो ड्रोन को बिना रिमोट पायलट लाइसेंस के उड़ाया जा सकेगा। यदि ड्रोन के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको अपने किसी भी टाइप के ड्रोन्स को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवाना ज़रूरी होगा। यदि आपके पास अभी कोई ड्रोन है तो उसे भी आपको 30 नवंबर 2021 तक रजिस्टर करवाना होगा। न्यू ड्रोन लॉ में अब ड्रोन कंपनीज में फॉरेन ओनरशिप को भी अलाउ कर दिया गया है। अब ड्रोन के इंपोर्ट को भी लीगल कर दिया गया है। ड्रोन का रिमोट पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग को DGCA रेगुलेट करेगा और 15 डेज के अंदर रिमोट पायलट लाइसेंस को ऑथराइज्ड ड्रोन स्कूल से ट्रेनिंग लेने के बाद इशू करेगा। सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स जैसे नो परमिशन, नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर फ्यूचर में बताया जाएगा। इसके साथ गवर्नमेंट ड्रोन इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए ड्रोन प्रमोशन काउंसिल भी बनाएगी,